तो हमारे पास जो अब तो वाकई खराब हो गया, अब तो वाकई खराब हो गया अरूप। मैं गाड़ी वापस ले लेनी है अगर तुमने इस तरह की कोई चवल मार दी। पता चले क्या अरूप की गाड़ी है? अरूप मैंने वापस ले लेनी है। चुप कर बे कुत्ते। ये ले जी। अम्मा फजूल चीज नहीं है इसकी, मुझे भी जरूरत है। चले मैं ये भी तो खोले। हम लोग जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। यार आज तुम लोग देख सकते हो कि कमरा जो है हमारा जरा भी साफ नहीं है, गंदा मंदा हुआ है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। क्योंकि जो है ना, क्योंकि जिसे कमरा साफ करना है ना उसको जो है ना ठंड लग गई है भाई। अरूप क्या हुआ यार, आए दिन बीमार हो ही जा रही हो तुम। सर्दी लगी है। अरूप शादियों में कोट स्वेटर वगैरह पहन के जाया करो ना। तुम शादियों में जाते हो इतने पतले वाले जो है वो जिसमें ठंड लग जाती है कपड़े छपड़े। बंदा स्वेटर जैकेट ग्लव्स टोपियां ये पहन के जाता है ना यार। अरूप शादी ठंड में शादी होगी यार, तो ऐसे ही होना है फिर। अब क्या करूं? रेस्ट रेस्ट करो, कमरा आज मैं साफ कर दूंगा भाई। छुट्टी आज तुम्हारी। अल्लाह माफ कर, जो तुम्हें कमरा साफ करना है उसको साफ करने के लिए मुझे डबल काम करना पड़ना है भैया। अभी ड्रामे कर रही है। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका एनदर व्लॉग के अंदर। अगर तक तुम लोगों ने डक्की बाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मम्मा को भी तो बर्थडे गिफ्ट देना था ना कोई। वो मैंने देना था लेकिन वो अगले दिन वो शादी वादी आ गई थी ना, तो वहाँ बिजी हो गए थे। तो लेकिन आज फिर यही काम करते हैं, आज कुछ लेने चलते हैं। फिर क्या लें? चलो कुछ अच्छा सा लेते हैं, कुछ ऐसा जो उनके काम भी है। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है ना मसाज चेयर ली थी, वो तो बड़े काम आई, घर में बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, मामा को बड़ी पसंद भी आई। लेकिन इस बार मुझे समझ नहीं आ रही कि यार क्या लें। हम लोग देखते हैं आके कि क्या चीज हम कर सकते हैं एडिशनल। और एनर्जी लाओ, इसमें बीमार पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा यार। बोलो हेमलो जी, जोर से करो हेमलो जी, देखना बीमारी उतर जाएगी तुम्हारी। जोर से हेमलो जी। भाई ये कमरा भी जो है ना हमारा बड़ी देर का फंसा हुआ है। अभी जिन्होंने जो है ना कमरा सेट करना है ना वो बड़ा बिजी है, इसलिए जो है ना इस पे डिले आ रहा है, वरना ये बहुत पहले का सेट हो चुका था भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रही हैं? क्या बना रही हैं? बनाने की कोशिश कर रही हैं। चावल नहीं डलने इसमें? लेदा से बड़े करने हैं ना। तो भाई आज जो है हमारे घर में बन रही है बिरयानी। लेकिन अम्मा इसको तो टाइम लगेगा, मैं सुबह का कुछ नहीं खाया, मैं खाऊं कुछ? ये लो खाओ। अम्मा ये तो कच्ची है, कच्ची बोटी यार। पूछा मैंने कुछ? अगर टाइम लगना क्योंकि मैं तो भूख से जान निकल रही है। ठीक है सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ तो मैं दो मिनट आया। खाओगे? पास ही यार, पाँच दस मिनट में आ गए बस। A few moments later. वैसे क्या लिया जा सकता है बताओ ना यार, समझ नहीं आ रही है। भाई हमारे पास टोस्टर भी पड़ा हुआ है, एयर फ्रायर भी पड़ा हुआ है, केटल भी पड़ा हुआ है, बर्तन धोने वाली भी है हमारे पास, माइक्रोवेव ओवन भी है। समझ नहीं आ रही है। ओए जूसर ब्लेंडर है? नहीं नहीं खराब है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये देखो इसका नॉब ही नहीं है। ये देखो ये हमारे पास पड़ा हुआ है। हाँ ये इसका नॉब नहीं है, तो ये बड़ी फजूल फजूल चीज है। ऊपर से है भी लो क्वालिटी ना, ये देखो प्लास्टिक का जो है ना सामान है सारा, ये देखो फजूल ऐसा है। इसकी मशीन भी नहीं चलती सही ना, इसका नॉब टूट गया है, ये तुमने तोड़ा, ग्राह के जो है ना मैंने तोड़ दिया है एक दिन, उसके बाद से जो है ना किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर यही ले लें जूसर ब्लेंडर। अच्छा सा कुछ ब्लेंडर नहीं? अच्छा वो भी अच्छा है, वो भी इसके साथ कुछ और। अरे तुम फजूल मशवरे देती हो मुझे। बहुत अच्छी है। हमारे पास जो अब तो वाकई खराब हो गया, अब तो वाकई खराब हो गया। शाबाश। हमारे पास जो है ना ये जूसर ब्लेंडर पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ना कोई काम नहीं करता ज्यादा, ठीक है। और इसका जो है ना नॉब भी नहीं है, और वो है भी बड़ा लो क्वालिटी, कभी चल जाता कभी नहीं चलता। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक जो है ना जूसर ब्लेंडर लाजमी ले लेते हैं भाई। A few moments later. तो हम लोग जाने वाले हैं सिविक पे। तुम अपनी गाड़ी पे जाओ ना। गाड़ी आगे ओखी होगी, और मैंने तुम्हें अब जिंदगी में अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया। मैंने भी तो बैठाया ना तुम्हें अपनी गाड़ी में कई बार यार। ई-ट्रॉन में बैठाता हूँ, मैं फॉर्च्यूनर में बैठाता हूँ। आज मुझे तुम्हारी गाड़ी चलाने का दिल कर गया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम मुझे कटा दो यार। मैं भी इसका इंटीरियर चेंज कराऊंगा, तुम्हारा दिल नहीं करेगा बैठने। इंटीरियर वैसे क्या चेंज कराना है, आओ तुम्हें आइडियाज दूं। ये सारी चीजें मैं गाड़ी के अंदर लाऊंगी, ये शिमर, ये अरूप इससे तो ये फूल लगा। अरूप अगर तुमने फूल यहाँ एसी वाली जगह पे लगा दिए तो फिर हवा कैसे आएगी यार? आ जाएगी आ जाएगी। अरूप क्या तुम लोग जनाना गाड़ी बनाने लगी हो यार तुम? यहाँ पे ये जो तुमने मैट के रखे थे इनकी जगह ये लगाऊंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तुम्हें इंटीरियर दिखाने लगे तुम बेहोश हो जाओगे, तो ये मैंने सोचा बाहर से। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अरूप नहीं, अरूप मैं गाड़ी वापस ले लेनी है अगर तुमने इस तरह की कोई चवल मार दी। चुप कर बे कुत्ते। पता चले क्या अरूप की गाड़ी है? अरूप मैंने वापस ले लेनी है अगर तुमने ऐसी कोई भी चवल मारी, ऐसी पिंक कर दिया अगर तुमने इतनी मुश्किल। हाँ बारबी डॉल की गाड़ी इस तरह से होती है, कोई पीछे से हुए हुए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और इंटीरियर ऐसा होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं जिंदगी में कभी नहीं बैठूंगा तुम्हारी गाड़ी में उसके बाद। तुम्हें करवा रही हूँ। भाई अरूप ने जो है बड़े खतरनाक प्लान सोचे हुए इस गाड़ी के लिए, ठीक है। वो इस गाड़ी को पिंक करने जा रही है। अरूप तुमने मेरे घर के सामने पार्क नहीं करनी, फिर तुमने अगली गली में पार्क करके आने अगर तुमने गाड़ी पिंक कर दी।
निकल भाई। देखो अच्छी भली गाड़ी है, ठीक है, ड्राइव भी कर रही है स्मूथ तीन, और इसका जो है ना प्लान है गाड़ी का सत्यानाश करने का। इतनी मुश्किल से मैंने लाल सीटें करवाई थी जब मैंने खरीदी थी पैसे जमा करके, तब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तुम्हें पता है मैंने किस तरह पत्थर पे दिल रखे जो है मैंने पैसे जमा करके जो है मैंने लाल सीटें करवाई थी, और अब तुम इसको पिंकिश करने जा रही हो। मैंने तुम्हें बताना ही नहीं है कि सीट कवर चेंज कहाँ से होते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है। हो जाते हो टायर शॉप पे चली जाओ, टायर शॉप पे सीट कवर थोड़ी मिलते हैं रूप, मतलब किसी मैकेनिक के पास चली जाऊंगी। मैकेनिक के पास सीट कवर मिलते ही नहीं है। पूछा मैंने कुछ, तो खाना शाना हम लोगों ने मंगवा लिया। आपको पता आपके भाई का जो है ना आजकल डाइटिंग पीरियड चल रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ सूप मंगाया है, छोटी सी ब्रेड मंगाई है, और ये तुम फ्राइज खाई जा रही हो। तुम भी डाइटिंग शुरू कर दो रूम। अरूप अगर मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूं और मैं पतला हो जाऊं और तुम मोटी हो जाओ फिर अल्लाह रहम करे। दिखाओ तो सही वैसे कैसे हैं, मजेदार। व्हाइट सूप कौन सा होता है साथ? कुछ ज्यादा हेल्थ के चक्कर में ना साथ ने ऊट पटांग चीजें मंगाना शुरू कर दी है। क्रीम सूप भाई अनहेल्दी होता है। कैसा है? एक डिश और आई है हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा आज थोड़ा बहुत जो है ना आधी डाइटिंग कर लेते हैं, आधा गंद खराबा खा लेते हैं। तुम इकरा की शादी भी तो गंद खराबा खा के आए हो। अरे वो मेरा चीट डे था भाई, बार रोज चीट डे होता है। सिर्फ दिखने में ही अच्छा था। A few inches later. तो रोटी वगैरह खा लिया, ठीक है। अभी जो है ना दुकान पे चलते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रही कि मामा के लिए गिफ्ट क्या लें। एक बार जाके देखते हैं, अभी जाएंगे ना तो भाई आइडिया हो जाएगा। मैं के लिए लेके थी कि तो मामा के लिए गाड़ी ले लो, मुझे याद आया कि तुमने तुमको गाड़ी गिफ्ट कर दी है। A few moments later. तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं अबाउट टैप टैप सेंड। अगर आप पाकिस्तान के अंदर दुबई से, यूएसए, कनाडा से, यूरोप से, यूके, तो कोई रोला ही नहीं है भाई। टैप टैप सेंड गॉट यू कवर्ड। जबरदस्त एक्सचेंज रेट के साथ 1300 से ज्यादा यूबीएल ब्रांचेस के अंदर आप कैश पिकअप भी कर सकते हो। और अगर तुम लोग मेरा प्रोमो कोड डकी यूज करते हो, मेरे लिंक से जो है टैप टैप सेंड डाउनलोड कर दो, तो तुम लोग को पहली ट्रांजैक्शन के अंदर $10, 10 यूरो, 10 पाउंड का बोनस मिल सकता है। और अगर दुबई से मंगवाते हो तो 25 दिरहम का। तो बाहर से मंगवाओ पैसे सीधा पाकिस्तान टैप टैप सेंड से और इंजॉय करो। लेटर। अभी जो है ना हम लोग लेडीज कपड़े वाली जगह पे आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने रूप को कहा कि कुछ पसंद कर ले, कुछ समझ में आ रहा है? शॉल पसंद आई है ये, ज्यादा अच्छी है। इसे दो प्रिंट्स हैं, दो तीन ले लो ना, ये वाली और ये वाली ले लेते हैं। ये तो सेम है, ये कलर और ये कलर सेम है, इसमें फर्क क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूँ इसी तरह का कुछ और डिफरेंट कलर ले लो ना, कोई सजेस्ट करना यार इसके अलावा। अच्छा यहाँ पे भी है रूप, ये भी है क्या? ये तो मर्दों की लग रही है, एक वाली इसलिए लग रही है, ये नहीं देखना, ये लाइट वेट है, ये भी मर्दों की लग रही है, ये प्यारी है। अरूप ये तो मेरे दादा बू की लग रही है, पिंक कलर। मेरे दादा बू की इस तरह की होती है धोती, ये नहीं अच्छी मार्बल 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 सी, ये और वो कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक ये कर दो, ठीक हो गया। एक आप ये वाली कर दो, ये देखो यहाँ पे भी है कुछ मजे मजे की चीजें। लड़कियों वाले हैं तो मामा लड़की हैं, मामा कौन सा लड़का है? मतलब कि वो है थोड़ी एजेड है, उनके हिसाब से चीजें नहीं है, ये तो बच्ची हो की है, छोटी मैं भी ना लूँ, ये तो छोटी बच्ची जवान माया। मेरी माँ के बारे में कुछ कहा ना तुमने? साथ कह रहा है ये ले लूंगा आंटी के लिए। भाई अच्छा भला तो ऐसे ही तो है अरूप, ब्राइट ज्यादा लाइट देखेंगे तो ज्यादा ओल्ड में जाएगा। हाँ अरूप तुम्हारा टेस्ट ही नहीं है यार, इसी तो तुम्हें चूज किया। वैसे लेके रख लो, क्या पता उनको पसंद आ जाए, अगर नहीं पसंद आ गया तो फिर मैं पहन लूंगा भाई। बस ये डिग्गी में रखवा दो, ये डाल दो अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो भाई हम लोगों ने जो है थोड़े बहुत कपड़े शपड़े शॉल वॉल ले लिए, अभी शॉप पे जाके देखते हैं और भी चीजें पसंद आ जाएंगी। जैसे वो ठीक हो यार, यार मुझे कोई एक जूसर ब्लेंडर दिखाना, कोई किचन फूड फैक्ट्री नहीं होता जिस तरह इन्हीं में से कोई, जस्ट ब्लेंडर ब्लेंडर। अगर आपने नहीं, नहीं ये छोटा सा, तो ये नहीं कोई मतलब होता है ना कि जिसमें हर चीज निकल रही हो, जूस वूस निकल आता है उसमें, और रोटियां भी बन जाती है उसमें, उसमें जूसर ब्लेंडर ब्लेंडर तीनों हो, सब कुछ बनता है उसमें, सब कुछ बनेगा, बेवकूफ ना बन जाए बस हम। मैं तो कहता हूँ एक अच्छी वाली लेके जूस की दुकान खोल लेते हैं, रूप के लेवे लेके हैं, जूस वूस बेच दिया करेंगे। तो हम लोगों ने जो है ना ये वाला जूसर फाइनल किया है, ठीक है। इसके अंदर जो है जूसर मेकर भी है बहुत बड़ा, फिर इसके साथ जो है ये छोटा सा जग आ रहा है, फिर इसके साथ जो है ये छोटा सा पीसने पोसने वाला आ रहा है। तो ये जो है ना पूरा सेट है भाई, पैक कर दो डब्बे में भाई। ये जो है ना गिफ्ट रैप मंगवाया है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इस डब्बे के ऊपर जो है ना गिफ्ट रैप कर सकते हैं। तो डब्बा जो है ना हमारा पैक हो गया गोल्डन कलर की शीट के अंदर, और ऊपर जो है ना एक चिट भी लगा दी, इसके ऊपर कुछ लिखना ले हैं, कोई पेन पर है आपके पास? पेन कुछ लिख लेते हैं। मैं लिखती हूँ फ्रॉम अरूप टू आंटी। केरा अरूप, तुम लिख दो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, लिखो फ्रॉम साद एंड अरूप। चलो जी चलो, डन हो गया भाई। ये जो है ना गाड़ी में रखवा दो। Later. अच्छा अम्मा टिकटॉक तो देखना बंद कर रही है, क्या देखी जाती हैं आप? अच्छा वो मैंने आपको बताना कि वो आपकी बर्थडे थी ना, तो हम छोटा सा गिफ्ट लेके आए मैं और रूप मिलके। बिरयानी खाई जा रही हो, लेके तो आओ। बर्थडे गिफ्ट क्या है, मैं आपको कह रही हूँ अभी आपकी बर्थडे है। नहीं नहीं आपकी काम आएगी, काम आएगी चीजें, जैनवन है अभी, वो टाइम आया करने वाली, कोई चीज नहीं लेके आए। आ जाओ जी। हाँ अम्मा फजूल चीज नहीं है, इसकी मुझे भी जरूरत है। अच्छा
अरे बिरयानी बाद में खा लेना, मामा को दिखाओ तो सही है तुम। ये सारे कपड़े चपड़े उड़ने लिए। क्यूट है ना, बहुत क्यूट है, क्यूट बहुत है ये। भालू वाला लग रहा है। सही है ना, अच्छा है। अरूप कह रही कि इस तरह की चीजें नहीं मामा पहनती, मैं कहा तुम ले तो लो ना, कुछ नहीं होता। एक ही है, अम्मा लेके मैं आया हूँ झप्पियाँ, यहाँ पर रूपो डाली जा रही है यार है। बात तो सही है, ये भी मेरी मर्जी की थी, ग्रे वाली सब कुछ मेरी मर्जी का था वैसे। रूप बहुत पेंडू पेंडू चीजें, फ्रॉग वगैरह पता नहीं क्या क्या सिलेक्ट कर रही थी। चले मैं ये भी तो खोले, काम आएगी आपके। आइडिया हो गया होगा क्या है? आइडिया हो गया। अब मेरी बात सुना। हाँ। मैं लेकर तो आई हूँ सारा कुछ। अम्मा लेकिन वो खराब है ना, टूटा हुआ। आज आपने तोड़ा वो। अरूप ने कराया है, वो तो निकाल दे, अलमारी से निकाल दे, निकाल दे, करा दिया खुद ही। ब्लॉग में भी आई वो चीज, वो देख ली गई निकाल की। अम्मा क्या स्लो खोल रही है, इतनी देर में मैंने पूरा दुकान के पैकेट खोले थे, इसको ऐसे खोले बस फाड़े इसको। इसका ये तो जूसर है। हाँ ठीक है ना, मिल्क शेक वो जो अरूप ने तोड़ दिया है, वो मैंने कहा नया ले लेते हैं अरूप। है भी अच्छी क्वालिटी का, वो चाइना वाइना नहीं है। थैंक यू सो मच सर, ये तो बहुत अच्छी आपने चीज ले ली ना, शुक्र है। मैंने आपको बताया था कोई काम की होगी। 5 मिनट में इसने मुझे ऐसे कंफर्टेबल कर दिया, बहुत बस देख ले हैं। मेरी चॉइस जो मेरी चॉइस होती है ना, वो काम की होती है। रूप तो पता नहीं क्या क्या पसंद आया, फिर जूस बना के देंगी सुबह गाजर का। फिर वापस करो, तुम बना के दोगी भाई मुझे। निकल आए तो यार, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई ब्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। कल जो है तुमने मुझे बना के देना है भाई शेक शूक। भाई बड़ी चीजें मैंने बनानी है, ठीक है। शुक्र है मामा को भी गिफ्ट पसंद आ गया, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई ब्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओका।